आप अश्लील चीजें नहीं प्रमोट कर सकते हैं, आप समाज में गंदगी नहीं फैला सकते हैं। आज मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप ऐसी चीजें आप करेंगी सोशल मीडिया पे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। इतनी अश्लील बात, ऐसी ऐसी बातें जो आप अपने माँ बाप के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने भाई बहन के सामने, अपने बच्चों के सामने नहीं सुन सकते हो, वैसी बात सब लड़के तो बोलते हैं। लड़के तो बोलेंगे ही कि भाई मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। आज भुगतेगा कौन? लड़की भुगतेगी। आज ये बेचारी, मैं अभी शब्द यूज़ करूंगी, कि इसके साथ अगर ऐसा हुआ है तो ये जानती होगी कि इसके दिल पे क्या बीत रही है, और अगर ऐसा TRP के लिए है तो ये बहुत गलत। ये रो रही है इनके माता पिता, तो फाइन आ जाता, रोएंगे तब आप उनको कॉल करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर तूफानी लाल यादव से मुझे बात करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज देखो दोस्तों, तूफानी लाल यादव और सोना पांडे का जो मामला है भोजपुरी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उनके अलग अलग वीडियोज आ रहे हैं, लगातार इंटरव्यूज आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के चैनल पे उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं जो उनके बारे में बात करे, उनके फेवर में बात करे, उनके जो है दुख को दिखाए, उनके अश्लील अश्लील शब्द जो होते हैं वो सुनाए, उन्हीं पे आ रहे हैं। क्योंकि हमने भी कोशिश किया था, लेकिन एक बार कॉल करने के बाद वो बोली कि आइएगा, उसके बाद फिर उन्होंने नहीं उठाया फ़ोन, क्योंकि उनको लगा कि हो सकता है कि यहाँ पे मेरा भांडा फूट सकता है इन लोग के चैनल पे अगर मैं बोलती हूँ तो। बाकी हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे होंगे प्रिया सिंह वस जी हैं, जो कि एक समाज सेविका हैं, जो लगातार ऐसे मामलों को खोज के उसका जो है वो समाधान निकालते रहती हैं। तो इनसे भी पूछते हैं कि क्या इनकी बात हुई है सोना पांडे से या किसी से, तूफानी लाल यादव से। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और दर्शकों को भी नमस्कार। सोना पांडे से बात हुई है आपकी? जी, मैंने उनको कल कॉल किया था। कॉल करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सोना जी देखिए, आपके बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बहुत दुख लगा और हम लोग आपके साथ हैं, बताइए क्या करना होगा, किस तरीके से आपका समाधान होगा, क्योंकि आप लगातार इस तरह से रोती नजर आ रही हैं। कल का वीडियो जब मैंने देखा कि उनके माता पिता ने भी बात करना उनसे छोड़ दिया है और वो अकेली पड़ गई हैं, तो मुझे लगा कि शायद उन्हें मेरी ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने फ़ोन कट किया और उसके बाद से वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। उसके बाद आज मैंने कुछ रिपोर्टर्स आज आए हुए थे, आप भी उनमें से एक हो, तो आप लोगों के सामने मैंने कॉल भी किया और उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उस फोन का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, जो कॉल का रिस्पांस नहीं देना, ये बताना कि मेरे माता पिता भी अब बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या लगता है कि मतलब जिसको ज़रूरत रहेगा, आपको पता होगा कि जब कोई मुसीबत में होता है ना तो वो तिनके तिनके का भी सहारा लेता है, लेकिन आप जब आगे से आके उनको बोल रही हैं कि मैं आपकी मदद करूंगी आपके साथ, क्योंकि क्या हुआ है तो फ़ोन नहीं उठा रही, इसका मतलब तो यही जाहिर होता है ना कि उनके साथ ऐसा कुछ मसला ही नहीं है। देखिए एक चीज़ बात है कि अगर उनके साथ बुरा हुआ है तो उन्हें लॉज का सहारा लेना चाहिए, हमारे कानून का सहारा लेना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उनके साथ उनको शादी ही करनी है तो लोग जब उनको मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे सामाजिक सेवा में जुड़े हुए लोग हैं जो काम करने के, और मैंने कुछ लोगों से बात भी की है जिन्होंने फ़ोन किया, उनको अप्रोच किया, लेकिन वो किन्हीं का भी कॉल नहीं ले रही है, उनका कुछ बोलना ही नहीं है। ये सब चीज़ों से क्या लगता है, मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि जब आप आगे से तत्पर हैं उनके पास जाने के लिए, एक बार आपसे बात भी हुआ है तो क्या है? नहीं नहीं, अगर चीज़ें अगर बंद कमरे में कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर TRP कैसे मिलेगा? अच्छा, तो यहाँ पे TRP का गेम है। जी, TRP कैसे मिलेगा? अगर आपके साथ बुरा हुआ है बहन तो आप सामने से आओ ना, हम आपके पीछे, अगर आपकी मदद नहीं करे तो आप मीडिया में आके बोलो। अगर चीज़ें हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, दोनों पक्षों से बात की जाएगी और दोनों पक्षों की बात करने के बाद जो चीज़ें होंगी उस पर कार्रवाई होगी। आप इस तरीके से आप वीडियोस पे जा रहे हो, इतनी अश्लील बात, ऐसी ऐसी बातें जो आप अपने माँ बाप के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने भाई बहन के सामने, अपने बच्चों के सामने नहीं सुन सकते हो, वैसी बात सब, वो कौन सा बच्चा आज के डेट में होगा जो 9th, 10th, 6th, 5th का नहीं होगा, 3rd, 4th के स्टैंडर्ड के लड़के स्क्रॉल करते हैं फोन को और ऐसी चीज सीखेंगे तो उनको क्या मैसेज मिलेगा? और एक ये भी तो लगेगा मैम कि अगर इस तरह से सही में अगर ये TRP होगा तो लोग इसको एक जरिया बना लेंगे, उनको लगेगा कि ये करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, यही मेरा मेन मुद्दा ये है कि ऐसी चीजें अगर आपके साथ हुई हैं और आप बहुत ग्रसित हैं इन चीजों से तो आप आइए, आपका स्वागत है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ये चीजें नहीं है तो ये बहुत गलत है। आप अपने दुख जाहिर कर सकते हैं, सोशल मीडिया सबके लिए है, ये लोकतंत्र है हमारा, लेकिन आप अश्लील चीज़ें नहीं प्रमोट कर सकते हैं, आप समाज में गंदगी नहीं फैला सकते हैं। हमारे परिवार वाले, हमारे सारे लोग, परिजन लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आज मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ें आप करेंगी सोशल मीडिया पे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी।
कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनके साथ गलत नहीं हुआ होगा, हो सकता है गलत हुआ होगा, लेकिन बात ये भी है ना कि गलत हुआ ये कैसे जाने, ना कोई लीगल एक्शन लिया गया है, बस सोशल मीडिया पे आने से कुछ चीजें तो सही नहीं हो जाएंगी ना। आप सोशल मीडिया पे आके अपना दुख जाया कर रहे हो, आप रो रहे हो कि आपके साथ बुरा हुआ है, ठीक है, आप अश्लील चीजें ही बता रहे हो कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। आप ये चीज अच्छे से आप किसी मतलब लीगल तरीके से उन लोगों के पास रखो जो इस पे कानूनी कार्रवाई करे, तो मतलब बनता है। आप बेमतलब का आड़ा तिरछा गाड़ी चलाए जा रहे हो और समाज को कुछ भी मैसेज दोगे तो ये चीजें नहीं चलेंगे। आई एम सॉरी टू से, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, आपको भी तो इनका मामला कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही पता चला होगा। जी बिल्कुल, मतलब समझिए कि सोशल मीडिया दूषित हो रही है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इनका जब भी वीडियो देखती थी मैंने बोला अरे मैं स्क्रॉल कर देती थी, लेकिन मुझे लगा जब मैंने इसको देखा कि इससे प्रेस रिपोर्टर्स भी मतलब एकदम अश्लील सवाल पूछ रहे हैं। अश्लील मतलब अश्लील, उसके आगे हद है ही नहीं। आप ऐसे कपड़े पहनते हो, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, आगे क्या भाई, बस करो, आप समाज में चीजों को दिखाने वाले हो। जी अच्छा, एक बार आपने बोला कि कई बार आपने फोन लगाया, एक बार क्या मेरे सामने उनको फोन लाएंगे कि तू, हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे उनको एक बार और प्रूफ मिल जाएगा कि क्या फोन उठाते हैं कि नहीं। ये देखिएगा दूसरी तीसरी नहीं चौथी बार फोन लगाया जा रहा है, एक बार देखते हैं कि क्या उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। रिंग जा रहा है, दिखाइएगा रिंग जा रहा है, बाकी आप लोग सुन भी रहे होंगे रिंग जा रहा है। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, सोना पांडे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कॉलिंग भी है, रिंग भी जा रहा है, आप लोग सुन भी सकते हैं। चलिए मैम काट दीजिए, मैं समझ गया। ये देखिए चौथी बार आपको फोन लगा के दिखाया गया है, पहले भी लगा के दिखाया गया था, नहीं हुआ था। अच्छा क्या तूफानी लाल यादव से आपकी बात हुई है? मेरी उनसे बात नहीं हुई। एक पक्ष अगर नहीं मानता है, एक पक्ष अगर, तो आप इस चीजों का भांडा फोड़ तो दूसरे पक्ष से भी कर सकती है ना। देखिए मेरा गुस्सा बस इसलिए आया क्योंकि ऐसी अश्लील चीजें जब मार्केट तो तूफानी ली भी तो ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साइड से चीजें हो रही हैं, तो उनसे भी बात करना बिल्कुल बनता है। तूफानी लाल यादव का नंबर है आपके पास, कॉल लगाना चाहेंगी? जी मैं लगाना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं इनसे बात कर लूँ, फिर तूफानी लाल यादव से भी, बिकॉज इनके साथ बुरा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं। आपको भी लगता है कि इनके साथ बुरा हुआ है जैसा ये बोल रही हैं? तो तूफानी लाल यादव भी बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए, तो फिर आप उनका बात कैसे नहीं मान रही? मैं उनका भी मानूंगी, पहले मैं एक पक्ष क्लियर कर। तो आप यहाँ पे महिला और पुरुष देख रही हैं? नहीं तो? ये रो रही हैं इनके माता पिता। तो तूफानी लाल यादव रोएंगे तब आप उनको कॉल करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है, मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर तूफानी लाल यादव से मुझे बात करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज देखो अगर मैं उनके पास डायरेक्ट जाती तो उन्हें इनके साथ बुरा हुआ, ये ज्यादा फेमस है आप इसलिए उनके पास चले गए, ये चीजें मैं नहीं चाहती थी। जो सच में जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, जिनके साथ बुरा हुआ है, मैं चाहती थी पहले तत्काल उनको रिलीफ मिले, उनके साथ अच्छा हो, उनके साथ बुरा ना हो, वो जिस प्रॉब्लम से अभी जूझ रही हैं, उनके परिवार वाले उनको छोड़ चुके हैं, मैं चाहती थी पहले उन्हें रिलीफ मिले। ये साबित हो जाएगा कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, सारा झोल झाल था, तब फिर क्या मुंह के लेके जाइएगा आप? तब तो उन पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी ना, तो फिर एक आदमी जो नाम तो खराब हो रहा है किसी का। और दूसरी चीज, अगर तूफानी लाल यादव के ऊपर ये गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो भी गलत है, अगर ये इन दोनों ने गलत किया है तो दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि आपकी आपसी विवाद को आप सोशल मीडिया पे क्यों उड़ा रहे हो, और उड़ा रहे हो चलो ठीक है वो भी मान लिया, कंसीडर किया जाता है, लेकिन आप अश्लील चीजों को क्यों बोल रहे हो? अश्लीलता जैसे क्या होता है ना, सीमा पे है अश्लीलता, चरम सीमा पे। जो भी वीडियो अभी तक उनका देख चुके हैं आप लोग देखें, आपको समझ में आएगा, आपका गुस्सा भी भड़केगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं करोगे, आप लोग यही सोचोगे कि कोई अभी तक क्यों नहीं बोल रहा। अच्छा आपको क्या लगता है, आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, तो आपको क्या लगता है उन वीडियोस को देखने के बाद आपके जहन में क्या आता है कि क्या कुछ सच्चाई है? देखिए सच्चाई तो है तभी, सच्चाई है, सच्चाई तो है तभी तो धुआं उठा है। या तो दोनों की मिलीभगत है, या तो फिर सच में हुआ है, दोनों चीजें हैं। या तो टीआरपी अगर है तो टीआरपी वही चीज हुई ना, टीआरपी वही चीज हुई, और आपस में अगर इन लोगों ने मिलकर ऐसा किया है तो ये गलत है, समाज में ये बहुत गलत छवि जा रही है इनकी। और अगर ऐसा गलत हुआ है, या तो ये शादी कर ले उनसे, या तो फिर जो भी मसला है वो कोर्ट है, कानून है, उसमें आके सॉल्व करें। जी सोना पांडे से अगर आपकी बात हो जाती है, अच्छे से बात कर लेते, तो आगे आप क्या कुछ उनके लिए, उनके फेवर में कर सकती हैं? मैं उनके लिए यही कोशिश करूंगी कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो भी लड़कियां यहाँ आर्टिस्ट बनने आती हैं, जो भी सपना लेकर आती हैं, उनके साथ ये चीज़ें नहीं हों। और लड़कियों को भी ये समझना चाहिए कि किसी के साथ आगे बढ़ जाने से वो शादी नहीं कर लेता,
जब तक कि उनके माता पिता आपके माता पिता आपस में ना बातचीत कर ले, क्योंकि कोई भी कड़ा या फिर कोई भी स्ट्रांग डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, एकदम धड़ल्ले से सिर्फ फेमस होने के लिए चीज़ें नहीं कर लेनी चाहिए। लड़के तो बोलते हैं, लड़के तो बोलेंगे ही कि भाई मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। आज भुगतेगा कौन? लड़की भुगतेगी। आज ये बेचारी, मैं अभी शब्द यूज़ करूंगी कि इसके साथ अगर ऐसा हुआ है तो ये जानती होगी कि इसके दिल पे क्या बीत रही है, और अगर ऐसा TRP के लिए है तो ये बहुत गलत है। जी, अगर आप लोगों में कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग मिलके एक साथ बैठ के उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए, और अगर ये चीज़ें अगर अफवाह फैला रहे हैं, आप लोग TRP का खेल खेल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, एक्शन आप पे हो सकता है। मैम, आखिरी शब्दों में, सोना पांडे आपकी वीडियो ये जरूर देखेंगी, आप जान लीजिए, तो उनको आप कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके साथ कुछ हुआ ही है, गलत तो हुआ है, आप इतना रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो बहन अभी आपको समझाने वाला कोई है नहीं, आप सामने से आओ, बात करो, बात करने से चीज़ें अच्छी होती हैं। हो सकता है कि आपका उनका रिलेशन अभी अच्छा नहीं हो पा रहा हो सकता है चीज़ें बातचीत करने से और अच्छी हो जाएं, बिगड़ जो स्थिति अभी बन रही है, आपके परिवार वाले आपसे दूर जा रहे हैं, वो चीज़ें अच्छी हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से आप अपने परिवार से दूर हो रहे हो, आप समझो इस चीज़ को, और समाज में आपके प्रति लोग घृणा भी बरसाएंगे, जहाँ पे आपको मतलब दुखद तरीके से देखना चाहिए था कि इसके साथ बुरा हुआ है, लोग समझ रहे कि ये क्या बोल रही है, वीडियोस में आकर क्या बोल रही है। तो देखा आपने, हमारे साथ प्रिया सिंह वस जी थी, जो कि इन्होंने बताया कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप इनके फोन कॉल को उठाइए, इनसे बात करिए, आपको मदद करने, क्योंकि ये वीडियो देख के काफी परेशान है, काफी दुखी है, इनको लगता है कि एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।